चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्लास। सामने दिख रहा होगा आपको, 3 गो क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए हम। ठीक है, तो आप तो बनाना जानते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे बनाते हैं। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ना। ठीक है, तो वो तरीका से भी हम आपको बताएंगे, हम अपना तरीका जरा आपको बताते हैं कि कैसे 5 सेकेंड में इसका आंसर ला सकते हैं। सो देखिए 5 सेकेंड में कैसे आंसर लाते हैं। इसे हम कह रहे हैं कि 50 51 है, 100 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो आपका कहना होगा कि 151 हो जाएगा। चलिए 151 हो गया, आ इसको गुना कर दीजिए। कितना से गुना करेंगे भाई? तो देखिए 51 से 100 तक गया है ना, तो एकरा बीच में जो है कई गो जोड़ा बनता है, तो उसको 2 से भाग लेते हैं। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 50 गो संख्या होगा ना, 51 से लेकर 100 तक 50 गो संख्या होगा। उसको क्या करना है हमको? हमको आधा कर लेना है। ठीक है, आधा कर लेते हैं हम इसको। आधा करेंगे 50 को तो 25 हो जाएगा। इतना बात समझ गए? अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि 5 आए कि 6 आए कि 7 हो जाएगा। हो गया 7, अब गुना कर दीजिए। 5 अधू कितना हो जाएगा? 7। गुना कर दीजिए 7 सते कितना हो जाएगा? 49। 49 को आप लिखिए 9 आ 4 13। ठीक है, आ 13 को आप लिख दीजिए 4। फाइनली इतना काम कर लिए। अब क्या किए है कि इसमें देखिए, इस सब के संख्या के अंक को जोड़ लिए, इस सब के संख्या के अंक को जोड़ लिए, इन दोनों को गुना किए तो इन दोनों आ गया 49, इन दोनों के संख्या को जोड़ लिए तो आ गया 13, फिर इन दोनों के संख्या को जोड़ लिए तो आ गया 4। बात समझ रहे? मतलब संख्या के अंक को जोड़ते हैं तो 4 आता है। ऑप्शन बा में जोड़िए, 4 आना चाहिए। देखिए 5 2 7 2 9 खत्म, ये 5 आ गया, ये नहीं होगा। ये 9 खत्म और 7 2 9 खत्म, 3 बच गया, ये नहीं होगा। 5 2 7 2 9 इसमें 3 बच गया, ये नहीं होगा। 7 5 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 12 7 19, और 19 3 कितना हो जाएगा? 22। अब 22 2 गो न है, इसको भी 1 गो बना दिए, कितना जाएगा? 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहेगा कि ये जादू कैसे हो गया, तो जादू को हम आपको समझाते हैं। अब जादू देखिए कि जादू हो कैसे गया से। तो देखिए इसमें हम किए क्या है सो बताते हैं आपको पूरा डिटेल में। देखिए 51 था, 52 था, 53 था, डैश 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 बढ़ते जा रहा था ना। अगर इस तरह से रहता क्वेश्चन कि 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस, मान लेते हैं 50 तक जाता है, तब बड़ी आसानी से क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं कि एन आ इंटू एन आ प्लस वन आ बटा के 2 लगा देते हैं। मतलब कर देते हैं कि 50 गुना के 51 आ बटा के 2 लगा देते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर ले आते हैं, यही ना करते हैं। तो उस तरह का टाइम था नहीं, उस तरह का रहता कि 1 से शुरू होता तो इसको भी वैसे ही लसार देते, 1 से नहीं था, तेज बन गया। तेज बन गया तो इसके लिए आप क्या करते हैं वो हम बताते हैं। 51 से 100 तक है ना, तो आप पहले क्या कीजिएगा कि 1 से लेके 100 तक का निकाल लीजिएगा एन वाला से, एकरा में से फिर घटा दीजिएगा 1 से लेके 50 तक के, ये ना करते हैं? बिल्कुल यही करते होंगे आप लोग। ठीक है ना, तो यही तरीका आप अपना रहे थे। अन्यथा एक और तरीका क्या होता है कि जब अंतरवा समान होता है ना, तो पहले निकाल लेते हैं एन, एन कितना होता है वो निकाल लेते हैं। तो वो निकालते हैं लास्ट और माइनस के फर्स्ट, और बटा के अंतर करते हैं, और उसमें प्लस 1 करके एन निकाल लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब योग निकालते हैं तो क्या होता है कि लास्ट और प्लस का फर्स्ट और बटा के 2 और गुना कर देते हैं एन। ई है ये तरीका है आपको बनाने के लिए, लेकिन हम कैसे बनाए? इस तरीका को आपको अपनाना है और सेकेंडो में आंसर लाना है जैसे हम ला दिए। हम तो समझाने के लिए इतना लिखे थे, अरे डायरेक्ट वहां देखते हैं वहां टिक लगा देते। देखिए अब इस तरीका को बताते हैं कि तरीका आया कैसे से। देखिए तरीका कैसे आया सो आपको ये मिटा के बताते हैं। ठीक है, तरीका देखिए क्या हो गया। देखिए 51 हुआ तो 51 लिख दिए प्लस का, 52 हुआ 52 लिख दिए प्लस का, 53 हुआ 53 लिख दिए डैश डैश डैश। आई 100 है ना, तो 100 से पहले कितना रहा होगा? 99 98 रहा होगा। तो मान लेते हैं 98 और प्लस का 99 और प्लस का 100 हो जाएगा। इतना बात बिल्कुल समझते। देखिए ये दोनों को जोड़िए, 51 और 100 को जोड़िएगा तो 151 आ जाएगा, 52 और 99 को जोड़िएगा तो 151 आ जाएगा,
5398 को जोड़िएगा तो 151 आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पहिलक्का और अंतिम वाला को जोड़ते हैं सेम आ जाता है, फिर उसके आगे वाला को अंतिम से पीछे वाला को जोड़ते हैं तो सेम आ जाता है। तो आखिर हम देखना यह चाह रहे थे कि 151 ही कई बार आएगा, क्योंकि अगला को भी जोड़ेंगे 51 आएगा, अगला को भी जोड़ेंगे 151 आएगा, तो ये कई बार आएगा, तो कई बार आएगा। तो आंख से देख रहे हैं कि 51 से शुरू हुआ है, 100 तक गया है, तो 25 को बनेगा कि नहीं, टोटल 50 को है संख्या। तो जोड़ा बनाते हैं तो आधा न कर देते हैं, 50 को संख्या है उसका जोड़ा बनेगा तो आधा हो जाएगा। तो क्या किए थे यहाँ से कि 151 को डायरेक्ट हम 25 से गुना कर दिए थे और डिजिट सम मेथड लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? डिजिट सम। हम गुनो नहीं करने जाएंगे 51 और 25, कुछ नहीं, डिजिट सम मेथड लगा दिए। डिजिट सम मेथड अगर आप नहीं जानते हैं प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो बना चुके हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से डिजिट सम मेथड कैसे लगा दिए थे भाई, देखिए इसके अंकों को जोड़िए, डिजिट सम मेथड मतलब अंक को जोड़ देते हैं, तो 5 अदु कितना हो जाएगा, इधर से 7 आई, गुना है तो गुना के साथ लिखते थे, 5 अदु 7 हो जाएगा, 7 49 हो गया था, 49 मतलब 9 4 13 हो जाएगा, 13 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिजिट सम करेंगे ऑप्शन का ना, तो ऑप्शन में 9 9 पूरा के काट देते हैं, 9 जब हो जाता है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, तो 5 4 9 हो गया था, 5 बचा, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा 7 2 9 खत्म, 9 खत्म 3 बच गया था, 5 4 9 3 बच गया था, इसमें देखिए सबको जोड़ने से 22 आ गया, अब 22 आ गया मतलब क्या, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यही एक मात्र ऑप्शन था। इस तरीका से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है 20 से लेके 40 तक, और इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार नहीं गया है, लगातार वाला तो तुरंत बना लेंगे हम, ये सम संख्या वाला है। क्या है? सम संख्या वाला। तो आप सोचिएगा कि 2 कॉमन मान ले लेते हैं, क्या की जगह से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप सोचिएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, आप प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से आप करते जाइएगा, आप प्लस प्लस करते कहां तक चल जाइएगा, डैश डैश डैश, आप प्लस लिखिएगा 20, यही ना कीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ ये लगातार वाला है तो आप फिर लगाइएगा एन इंटू एन, ये वाला एन इंटू एन वाला लगा दीजिएगा, तो वो वाला फिर माथा खराब हो जाएगा क्योंकि 1 से शुरू नहीं हुआ है, तो 1 से शुरू नहीं हुआ है, कहे कुछों से शुरू हो कोई मतलब नहीं है। हम सीधा ये वाला तरीका अपनाएंगे, सीधा देखिए, सीधा 40 से पहले कितना रहा होगा भाई, 40 से पहले 38, 38 से पहले कितना रहा होगा 36, और देखिए 20 और 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, आप प्लस के कर दीजिए 22, 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्लस के 60, प्लस के 60 कर दिए 24 और 36 जोड़ेंगे प्लस के 60 हो जाएगा, तो सब प्लस के 60 ही ना हो रहा है, तो प्लस के 60 हमको कै गो मिलेगा ये सोचिए, प्लस के 60 देखिए ये लगातार नहीं है, ये लगातार नहीं है जो 20 से 40 के बीच, 20 से 40 के बीच आपको 20 को संख्या मिलेगा और उसको आधा कर दीजिएगा, तो लगातार नहीं ना है, ये लगातार नहीं है, इसलिए आपको सोचना होगा 20 और 40 का एगो जोड़ा बना, एगो जोड़ा ऐसे ही 20 40 का एगो बना 22 38 का बन जाएगा, उसके बाद 22 24 26 28 5 को जोड़ा बना और 30 अकेले बच गए, 28 के बाद 30 जाएंगे और उधर से पीछे घटेंगे 32 के बाद 30 जाएंगे, तो 30 इक्के को ना है, 30 टाइम इक्के को मिलेगा, तो 5 को जोड़ा बना 30 फालतू रह गया, तो ये 60 कै बार आएगा, 60 5 बार आएगा और 30 एगो एक्स्ट्रा रहेगा बच्चल, ठीक है चलिए समझ गई बात। अभी देखिए ये 6 है ये 5 है, 0 से मतलब नहीं है, ये 6 5 कितना हो जाएगा 30, 30 मतलब ये 3 हो जाएगा, आ ये है 3 3, 3 मतलब कितना 3 3 6 हो जाएगा। अब सब के डिजिट सम लगाए तो इकाई, सब के डिजिट सम लगाने से डिजिट सम 6 आया, तो जोड़ दीजिए ये 6 5 11, 11 मतलब 2 नहीं होगा, 4 4 8 नहीं होगा, 3 3 6 हाँ यही है, 3 3 6 हो गया, यही हो जाएगा। आप n इंटू n वाला करते रह जाइए, इतना ही आंसर आएगा, करते रह जाइएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, तो इसके बाद हम इसको चलते 11 13 15 31, देखिए एगो में लगातार समान नहीं है, देखिए 11 के बाद 12 न होकर 13 हो गया, 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद ऐसे करते जा रहा है, बिल्कुल समझ रहे बात। चलिए इसको कैसे बनाते हैं वो जरा समझिए, आप समझिए ये वाला बात, इसको भी करेंगे अंतिम पहला वाला को जोड़ेंगे भाई, तो ये हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42, कितना जाएगा 42 हो जाएगा, जोड़िए 13 31 से पहले कितना हो जाएगा 29 होगा कि नहीं होगा, तो 29 हो जाएगा, तो 13 29 को जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा,
तो इस तरह से इसमें भी आपको 42 42 मिलने वाला है, लेकिन कई गो मिलने वाला है वो जरा खोज लीजिए। तो जाएंगे हम पांच गो, उधर से आ जाएंगे पांच गो, तो 10 गो हो गया कि नहीं हो गया। जैसे जाएंगे 11 13 15 17 19 तक गए, उधर से आ जाइए, उधर से पांच गो आ जाइए, उधर से पांच गो 31 29 27 25 23, ठीक है 23, आ इन्हें चल गए 19, एगो कौन बचल है 21 ना, एगो बीच में 21 बचल है, तो एगो पांच हो जाएगा गुना में आ प्लस के 21। ये आपको अपना दिमाग का चीज है, समझाने के लिए ना ना कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। ये क्या कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 4 2 6 आ 6 आ 5 30, आ 30 मतलब हो जाएगा 3, आ ये प्लस का 3, तो 3 आ 3 कितना हो जाएगा 6, 3 आ 3 कितना का हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए 6 वाला आप खोजिए ऑप्शन ना में कौन है, ये 6 2 8 है नहीं होगा, दो दो चार दो छ है, ये गो हो गया, उसके बाद चार दो छ एहो एगो है, चलिए दो गो ऑप्शन आ गया, ये तो होगा नहीं। अब जब दो गो ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, दो गो ऑप्शन आ जाएगा तब क्या कीजिएगा सोच लीजिए। दो गो जब ऑप्शन आ जाए तो आपको इकाई अंक से जाना है, कौन अंक से जाना है, इकाई अंक से जाना है, इसका इकाई अंक दो, इसका इकाई अंक चार, ये सब तरीका हम सिखा चुके हैं। आप नहीं देखे है वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिकी कॉन्सेप्ट में हम इस सब चीज को सिखा चुके हैं, वहां आप देख सकते हैं। तो देखिए एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक का तीन कितना चार, चार के बाद यहाँ पांच है, पांच हो जाएगा नौ हो जाएगा, नौ के बाद सात सोलह, सोलह हो जाएगा यानी सोलह मतलब छह समझेंगे, और सात के बाद कितना हो जाएगा नौ, यहाँ देखिए सात के बाद हो जाएगा नौ, ऐसे जब जोड़ते जोड़ते जाइएगा ना तो इकाई अंक पर आपको दो हो जाएगा, वो अपना उंगली पर जोड़ते जाइएगा एक से लेके यहाँ तक, तो इकाई अंक पर आपका दो हो जाएगा, इसका सही आंसर ये है। ये तरीका हम सिखा चुके हैं, ये तरीका सिखा चुके हैं, आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आज के बाद अगर ये समझ में नहीं आया हो एक बार, वीडियो को दोबारा से शुरू कीजिए और इस चीज को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आया, दोबारा से बताइए, हमको समझ में नहीं आया दोबारा से आप बताइए, मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली कॉल करके हम आपको बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, अब डायरेक्ट ये वाला तरीका अपनाएंगे और आंसर लाएंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो ये काम करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी तरह का और भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट चाहिए तो ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।